हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स का एक हम टॉपिक लेके आए हैं मैट्रिसेस। वैसे आप देखो स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बट जो ये वाला टॉपिक है ये आपको कम ही करवाया जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ट्वेल्थ में क्वेश्चंस कम आते हैं, मतलब पंजाब बोर्ड में या सीबीएसई की हम बात करें। तो आज हम ये टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, हर्मीटियन मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर जो है हमारे पास यहाँ पे स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिट्री मैट्रिक्स, निलपोटेंट आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, इनवैलिटी मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इनको डेफिनेशन की जगह पे अगर हम एग्जांपल से समझें तो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आएगा, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको समझाने की कोशिश की है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, आपने ध्यान देना है। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट हम तब कहेंगे अगर हमारे मैट्रिक्स में कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हों। जैसे आप जानते हो उसमें 2+ ऑयटा 3-ऑयटा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अगर आप इसको कॉन्जुगेट करोगे, ये ए के ऊपर हम एक बार यूज़ करते हैं, उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, तो आपने सिर्फ ऑयटा वाले का साइन चेंज कर देना है, मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे ऑयटा के आगे माइनस है वो प्लस आ जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होता है। तो इसके बाद हर्मीटियन मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। हर्मीटियन मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 3+7 ऑयटा 3-7 ऑयटा 2, ये हमारे रो में एलिमेंट्स हैं। देन अगर हम इसका इसको बोलते हैं ट्रांजुगेट, इसको हम ट्रांजुगेट बोलते हैं जिसको थीटा सा लिखा हुआ है हमने। इसमें पहले हमने क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट करना है। अब कॉन्जुगेट कैसे करेंगे हम, जहाँ पे ऑयटा है वहाँ का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा -7 और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा +7 और कोई चेंज नहीं आया, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आया। फिर इसका हमने ट्रांसपोज कर देना है। अब अगर इसमें हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स इट्सेल्फ आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं कि वो हर्मीटियन मैट्रिक्स है। तो इसको हम हर्मीटियन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा हर्मीटियन मैट्रिक्स के बाद है स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें कि कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने पहले कॉन्जुगेट किया, मतलब हमने सिर्फ ऑयटा वाला साइन चेंज कर दिया इसमें। देन हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज आप जानते हो इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जब हमने इसको ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स अगर किसी का ट्रांजुगेट करने के बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल समझेंगे हम। पहले हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, हमने उसका ट्रांसपोज किया, ये जो हम डैश डालते हैं ट्रांसपोज है, इसको टी भी बोल सकते हैं हम, या सिर्फ डैश डाल के ट्रांसपोज किया, तो इसके जो रो एलिमेंट में रो है जो कॉलम में कन्वर्ट हो गई कॉलम रो में। देन हम जब इसके ट्रांसपोज को इसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब अगर किसी के ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये चाहे ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करें या फिर ए मैट्रिक्स और उसके ए ट्रांसपोज को करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा यूनिट्री मैट्रिक्स क्या है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है, 1/3 आउटसाइड है मैट्रिक्स के और हमारे रो वाइज एलिमेंट है 2-2+ ऑयटा 2+ ऑयटा 2। अब हमने इसका ट्रांजुगेट किया, मतलब पहले तो ऑयटा वाला साइन चेंज किया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया। देन अगर हमने इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास जो है यूनिट्री मैट्रिक्स है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऑर्थोगोनल में हमने उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाया था तब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, इसमें हमने उसके ट्रांजुगेट को, ट्रांजुगेट क्या होता है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो उसको ट्रांजुगेट को मल्टीप्लाई करवाया ए मैट्रिक्स से तो आइडेंटिटी आ गया, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट्री मैट्रिक्स। तो इसके बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स, निल से पता चल रहा है हमको ये जीरो मैट्रिक्स होगा जरूर, इसको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स ले लिया हमने,
फिर हमने उसका स्क्वेयर किया, स्क्वेयर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर वन ज़ा माइनस फोर, टू फोर ज़ा माइनस एट, फोर टू ज़ा एट, ऐसे हमने किया जब, तो ज़ीरो 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 बन गया। इसका मतलब अगर हम उस मैट्रिक्स को जितनी बार भी अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स ही आएगा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब आइडिम्पोटेंट मतलब इसमें आइडेंटिटी आती होगी, तो इसके लिए एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, फिर हमने उसका मैट्रिक्स को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो है वो इटसेल्फ आ गया, तो इसको आइडेम्पोटेंट कहते हैं। मतलब कि वही मैट्रिक्स फिर से आ गया तो हम बोलेंगे इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ स्केयर करने पर आएगा, इसमें एनी पावर अगर हम लेंगे, चाहे हम ए मैट्रिक्स को अपने आप से चार बार पाँच बार जितनी बार मर्जी बार मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही आएगा, तो हम इसको निलपोटेंट बोलेंगे। बट आइडेम्पोटेंट में सिर्फ एक बार ही हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब ए स्केयर कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास वो इटसेल्फ आ जाएगा, तब हम उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। देन उसके बाद देख लेते हैं हमारा इनवलेटरी मैट्रिक्स कौन सा होता है। इनवलेटरी मैट्रिक्स, इनवलेटरी मैट्रिक्स में हम पहले एक मैट्रिक्स की एग्जांपल ली हमने, हमने उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ए स्केयर आई आ गया हमारे पास, तो इसको हम बोल देते हैं इनवलेटरी मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, कन्फ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा डिफरेंस है इसलिए ध्यान से आपने इसको समझ लेना है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है जैसे 3x3 का यहाँ पे है या 2x2 का है, तो उसके जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे कोई भी होंगे पर वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो तभी उसके डायगनल होंगे। उसके डायगनल एलिमेंट्स को जब आप सम करोगे तो उसको जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है, हर बार जीरो नहीं आता, अगर जीरो आएगा तो उसको हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की टाइप्स, जिसमें हमने पहले समझा कि हमारे पास कंजुगेट मैट्रिक्स होता है किसी का, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर का ऑयटा का साइन चेंज कर दें, अगर हम कंजुगेट का अगर ट्रांसपोज कर दें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू हर्मिटियन के लिए उसका ट्रांसपोज सॉरी ट्रांजुगेट करने पर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको स्क्यू हर्मिटियन बोलते हैं। ऑर्थोगोनल के लिए हम उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एग्जांपल्स आपको काम में आ सकते हैं, कई बार एग्जांपल्स पूछ लेते हैं एग्जाम में कि यूनिटरी मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल दे, तो ये एग्जांपल आपने ध्यान में रख लेनी है। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करें तो उसको ट्रांजुगेट को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का स्केयर करने पे या कोई भी पावर लेने पे, चाहे उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें या 4 बार, तो जीरो मैट्रिक्स ही आना चाहिए, तो निलपोटेंट बोलेंगे। आइडेम्पोटेंट के लिए अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ओनली वन टाइम और हमारे पास वही जो है मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाए, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो बार बार ऐसे ही आएगा, जितनी मर्जी पावर ले ले बार बार वही आएगा। इन वेलेट्री मैट्रिक्स में अगर हम उसको स्केयर करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है इन वेलेट्री मैट्रिक्स। और लास्टली ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर हम बात कर लें, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्केयर मैट्रिक्स लेना और स्केयर मैट्रिक्स के डायगनल्स को एलिमेंट को ऐड करना है, तो वही उसका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप इसको समझने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, एग्जाम्पल से आप इसको क्लियरली समझ चुके होंगे और आगे आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद भी हम दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे वो प्लस वन चाहे प्लस टू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।